सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आज हम देखने जा रहे हैं लर्निंग नॉर्मल फॉर्म्स। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं दो टाइप के, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म्स। सो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे लेक्चर का? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस नॉर्मल फॉर्म, दैट इज CNF, PCNF, DNF एंड PDNF। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, अब हमें इनका मतलब देखना है। सो बेसिकली अब सॉल्व द PYQs। हमने PYQs पढ़ रखे हैं कि P क्या है, YQs क्या है, सो हाउ टू सॉल्व दोज। सो वाई टू यूज सर्च फॉर्म, ठीक है? इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन अ गिवन स्टेटमेंट आर मोर, देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल विल नॉट बी प्रैक्टिकल। मीन्स अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स, जो पी क्यू हम पढ़कर आए हैं, अगर वो बहुत सारे होंगे तो हाउ यू विल मेक द ट्रुथ टेबल्स। मीन्स अगर आपके दो हैं, तीन हैं, ठीक है, बना सकते हैं ट्रुथ टेबल, बट बहुत सारे हैं देन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है उनको बनाना। सो देयरफॉर वी कंसिडर अदर मेथड्स नोन एज रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। ओके, नोट, इन दिस मेथड वी यूज द वर्ड प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ कंजक्शन एंड सम इन प्लेस ऑफ डिसजंक्शन। ये याद रखिएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट का यूज हो रहा है वो कंजक्शन है, मीन्स एंड, जहाँ पे सम की बात हो रही है वो डिसजंक्शन है, मीन्स और। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सो नॉर्मल फॉर्म पहली आती है हमारी PCNF, प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, देन CNF, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। Conjunctive means what? And then PDNF, principal disjunctive normal form, then DNF, disjunctive normal form. Some basic terms related to normal form. So elementary product क्या होता है? A product of the variables and their negation is called an elementary product. अब negation आप समझ रहे होंगे, negations mean complement or you can say invert means, मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ इट इज रेनिंग, नेगेशन इसका क्या होगा? इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, समझ में आया? तो ये बोल रहा है एलिमेंट्री प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल, जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो, और उसका नेगेशन मीन्स उसका अपोजिट, उसका मल्टीप्लीकेशन हमारा होता है एलिमेंट्री प्रोडक्ट। सो एग्जाम्पल, पी एंड क्यू बी एनी टू एटॉमिक वेरिएबल्स, देन पी क्यू, देन वी कैन सी पी एंड क्यू इन्वर्ट पी एंड इन्वर्ट क्यू, comma we can see here we have these elementary products. Example diya tha maine aapko. Now elementary sum kya hota hai? A sum of the variables and their negation is called elementary sum. Product of sum mein kuch nahi hai, same hai, bas wahan product ho raha hai, yahan sum ho raha hai. Product means conjunctive, sum means disjunctive. Maine starting mein bataya tha aapko, sum means or, product means and. Example aap dekh sakte hain, yahan pe likha hua hai. Now some basic terms. Factors, a factor of a given elementary sum or product is a part of it. Okay, for example, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये example दिए हैं. So the factors of negation P means invert Q and P and Q. Okay. Now main term. Let P and Q be two propositional variables. Propositional variables आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में. So all possible formulas which consist of product of P or its negation. ठीक है, हम कह रहे हैं जो और सारे possible formulas हैं जो consist करते हैं product of P और उसके negation, और we can say and product of Q और उसके negation, but should not contain both the variables. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे और लगाया, और मीन्स आप पढ़ चुके हैं लॉजिक है, मीन्स और मतलब या तो ए या तो बी, वी डोंट रिक्वायर दोनों, मीन्स दोनों की नेसेसिटी नहीं है हमें. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि और हो, नॉट एंड, दोनों नहीं चाहिए हमें. शुड नॉट कंटेन बोथ द वेरिएबल्स एंड इट निगेशन इन एनी वन ऑफ द फॉर्मूला आर कॉल्ड मेन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर टू वेरिएबल्स पी एंड क्यू, There are two raised to power two is four main terms, namely P and Q, P and negation Q, then we can say, sorry, P or
क्यू, फिर पी और निगेशन क्यू, देन निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू. रिमार्क, इफ देर आर एन वेरिएबल्स देन नंबर्स ऑफ मिन टर्म इज 2^n. नाउ मैक्स टर्म क्या होता है? लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स. अब हम क्या कह रहे हैं? ऑल पॉसिबल फॉर्मूलाज विच कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ पी और इट्स निगेशन एंड सम ऑफ क्यू और इट्स निगेशन, बट शुड नॉट कंटेन बोथ द वेरिएबल्स. दोनों वेरिएबल्स कंटेन नहीं होने चाहिए, या तो पी हो या तो क्यू हो. एंड इट्स निगेशन, जो उसके निगेशन होते हैं इन एनी ऑफ वन फॉर्मूला आर कॉल्ड मैक्स टर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर टू वेरिएबल्स पी एंड क्यू देयर आर 2^2, तो वी कैन से 4 आर द मेन टर्म्स. ठीक है, नेमली पी एंड क्यू, देन वी हैव पैन पी एंड निगेशन क्यू. आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने मैंने अपने आगे वो लिखे हुए हैं, मीन्स एग्जाम्पल. नाउ वी कैन सी डिसजंक्टिव फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होगी आपकी? DNF. DNF क्या है? ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे थे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. अ स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ अ सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स एंड इज इक्विवेलेंट टू द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. सो बेसिकली दिस फॉर्म इज नॉट यूनिक फॉर अ गिवन स्टेटमेंट. मेथड टू ऑब्टेन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. स्टेप 1, रिप्लेस एंड बाय this sign. Okay, and by or we can say or by negation in the statement. Step 2, manipulate to get an equivalent form which is the sum of elementary product terms. Now CNF, conjunctive normal form kya hoti hai? इन अ बुलियन लॉजिक अ फॉर्मूला इज इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म. बुलियन लॉजिक में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बेसिकली कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में होता है और द क्लोजर नॉर्मल फॉर्म. इट इज अ कंजक्शन ऑफ वन और मोर क्लॉजेज वेयर अ क्लॉज इज डिसजंक्टिव ऑफ लिटरल्स अदरवाइज पुट इट इज एंड और एंड ऑफ ऑर्स एज अ कैनोनिकल नॉर्मल फॉर्म. इट इज यूजफुल इन ऑटोमेटेड थ्योरम्स प्रूविंग एंड सर्किट थ्योरी. Now we can see all conjunctions of literals and disjunctions of literals are in CNF as they can be seen as conjunctions of one literal clause and conjunctions of a single clause respectively. As in disjunctive normal form means DNF, the only propositional conjunctives connectives a formula in CNF can contain are and or and not. So the not operator can only be used as part of literal, which means that it can only precede a propositional variable or a predicate symbol. अब हम देखते हैं principal disjunctive normal form. So for a given formula, an equivalent formula consisting of disjunctives of min terms only is known as principal disjunctive normal form. मीन्स जहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट फॉर्मूला है उसमें सिर्फ आपके मेन टर्म्स होंगे तो आप उसे PDNF कह सकते हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैनोनिकल फॉर्म. इसका दूसरा नाम होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैनोनिकल फॉर्म. तो प्रोसीजर 1 क्या है हमारा? फॉर एवरी ट्रुथ टेबल इन द ट्रुथ टेबल फॉर अ गिवन स्टेटमेंट चूज द मेन टर्म विच ऑल्सो हैज द वैल्यू टी फॉर द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. सेकेंड, द सम ऑफ दीज मेन टर्म्स विल then be equivalent to the given statement. Now we have the second procedure, obtain DNF. पहले हम DNF उसका लेंगे, then drop elementary products which are contradiction such as P or bar P, then if PI and PI are missing in the elementary product A, replace by A by this. You have to replace the A by this. Now repeat the third step until all elementary products are produced to the sum of min terms. Use now idempotent laws to avoid repetition of min terms.
प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म. सो इट स्टैंड फॉर प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म. सो इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ सम. प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स जिस समय उनका प्रोडक्ट करना, दैट इज पी ओ एस. फॉर एग्जाम्पल पी क्यू आर आर द वेरिएबल्स, देन पी प्लस क्यू बार प्लस आर डॉट पी बार प्लस क्यू प्लस आर. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पी सी एन एफ, दैट इज प्रोडक्ट इज द मेन ऑपरेटर हेयर. नाउ हेयर ऑल्सो द की डिफरेंस बिटवीन पी सी एन एफ एंड सी एन एफ इज दैट इन केस ऑफ सी एन एफ इट इज नॉट necessary that the length of all variables in the expression is same. Okay, CNF में यही है कि PCNF में जो length होनी चाहिए वो सबकी same होनी चाहिए. For example, you can see here, this is the expression of CNF but not PCNF. क्योंकि यहाँ पे length जो है same नहीं है, क्योंकि here we have only two statements, not three. और यहाँ पे हमारी same होनी चाहिए PCNF. Now, so to obtain PCNF form from PDNF and vice versa. So if the PDNF or PCNF of a given statement is containing n variables is known as PDNF or PCNF of bar S will consist of disjunctive, conjunctive of remaining min terms or max term which are not present in PDNF or PCNF of S. Since S bar bar B bar फिर से bracket S bar, so we can obtain the PCNF or PDNF of S by applying De Morgan's law जो हम पढ़ चुके हैं. सो यू कैन सी दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था हमारा 2011 में. नाउ ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. प्रॉब्लम टू रिड्यूस, यहाँ पे रिड्यूस दिस. नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है. ये हमारा एज इट इज वो टर्म है. हमने यहाँ पे क्या करा, x कॉमन लिया पहले से, इन दोनों टर्म से x कॉमन लिया. हमारा ब्रैकेट में बचा y डैश मीन्स y बार z प्लस y z बार, और यहाँ से हमने x कॉमन लिया, हमारा ये बचा. अब हमने क्या करा, इस टर्म से हमने z बार कॉमन लिया. z बार हमने कहाँ से कॉमन लिया, ये yz बार और yz बार, ठीक है, यहां से हमने अपना z कॉमन लिया. फिर हमारा बचा ये टर्म, और यहां पे हमने अगेन z बार कॉमन लिया, और यहां पे हमारा x था. तो हमने क्या करा, जो x वाली टर्म है हमने यहाँ कर ली, x बार वाली यहाँ कर ली. फिर हमने देखा y प्लस y बार इज इक्वल्स टू 1, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी. तो z डॉट 1 मीन z बार डॉट 1 इज इक्वल्स टू z बार, यहाँ पे भी z बार डॉट 1 इज इक्वल्स टू z बार. अब हमने यहाँ पे क्या करा, z बार हमारा कॉमन है, z बार कॉमन लिया. देन वी हैव x बार प्लस x, और हमने देखा कि x बार प्लस x इक्वल्स टू 1. नाउ हमारे पास बचा z बार, सिर्फ बचा हमारा फाइनल आंसर आया है z बार. सॉरी यहाँ पे बार आना चाहिए था. सो राइट द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यूजिंग द बुलियन पोस्टुलेट रूल्स. मेंशन द रूल यूजिंग ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन. मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो जरूर साइड में रूल्स लिखिए, जैसे जो मीन्स आपके जो आइडेंटिटीज हैं वो टिप पे रहेंगी, आपको हमेशा रिमाइंड होती रहेंगी, लिखेंगे या फिर जो चेक करेगा उसको आसानी होगी. नाउ वेरीफाई योर रिजल्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग द ट्रुथ टेबल ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन फॉर इट सिंपलेस्ट फॉर्म. So follow the same approach as in solve one. Just apply the Boolean identities for multiplication instead of addition. Now, ये भी हमारा previous year question है, problem 3. Use only AND OR logic gates to construct a logic circuit of this. हमें AND OR OR ही use करना है. तो आप देख सकते हैं XY dot है means AND gate है. ये भी हमारा UV AND gate है. और ये हमारा दोनों AND gate का जा रहा है OR में, means इन दोनों का addition हो रहा है. यू कैन सी एक्स वाई यू वी इसका और हो रहा है. ये हमारा सॉल्यूशन, सिंपली अप्लाई द बुलियन लॉजिक एंड ड्रॉ द सर्किट. नाउ होप यू हैव एंजॉयड द कोर्स ऑन प्रोग्रामिंग. आपने मीन्स जितना मैंने अभी तक ट्राई लेक्चर्स में पढ़ाया है, होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और जो रूल्स हैं, सारी आइडेंटिटीज है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उसे ध्यान से पढ़िए. नो सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा.